गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल संदीप स्टडी सेंटर। आज की इस क्लास में बाल मनोज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इस पर हम लोग MCQ करने वाले हैं। लगभग 20 से 22 ठीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इससे संबंधित एक क्लास भी आपकी जा चुकी है, चैनल पर जाएंगे तो क्लास दिख जाएगी। आज हम लोग उस पर रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन पहला है, सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को पृथक पृथक स्कूल में शिक्षण देना। ये बिल्कुल नहीं है। समावेशी का मतलब होता है हम लोग को शामिल करना है, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। बालकों को उनके विद्यालय अभिलेखों के आधार पर स्कूल में दाखिला देना, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी भी आधार पर बिना भेदभाव किए सभी बालकों को एक ही स्कूल में शिक्षा देना, ताकि कोई भी बालक रहे, ठीक है, वो असहज महसूस ना करे, वो ये मत सोचे कि भाई हम लोग के लिए चीज़ नहीं है। तो किसी भी दृष्टि से, सामाजिक हो, मानसिक हो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, ठीक, बौद्धिक हो, किसी भी दृष्टि से बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संबंध में सलमान का विश्व सम्मेलन कब हुई थी? हमने इसका इतिहास देखा था क्लास में, तो वहाँ पर हमने पाया था कि जून 1994 में सलमान का सम्मेलन होता है, जो कि स्पेन में है। लेकिन इसके भी पहले मैंने आपको कहा था, याद होगा, यहीं पे एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक, 1990 में जोमेशियन सम्मेलन हुआ। क्या? जोमेशियन विश्व सम्मेलन थाईलैंड में होता है। कहाँ पे होता है? थाईलैंड में होता है। यहाँ पे समावेशी शिक्षा की नींव पड़ती है। उसके बाद स्पेन में जब हुआ जून 1994 में स्पेन में हुआ, जगह कौन सा है? सलमानका। क्या है भैया? यहाँ पे देखेंगे, सलमानका इसमें होता है, ठीक है, विश्व स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पे निर्णय लिया जाता है, क्या निर्णय लिया जाता है, विशिष्ट एवं सामान्य बालकों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देना है। सामान्य बालक तो शिक्षा ले ही रहे हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालक वो होते हैं जो सामान्य बालक से नीचे हो या फिर सामान्य बालक से ऊँचा हो, मतलब एक प्रतिभाशील बालक होता है। तो जितने भी आप देखते हो मंदबुद्धि बालक, दृष्टिबाधित बालक, ठीक है, मंदबुद्धि बालक, दृष्टिबाधित बालक, ठीक, जिसके है ना पैर नहीं चल रहा है, शारीरिक रूप से आप देख सकते हो, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, ये सभी बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इनको भी शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना है, ये निर्णय लिया जाता है जून 1994 के सलमान का सम्मेलन में। इसकी थीम थी, याद रखना, इस सम्मेलन की जो थीम थी, विशेष शैक्षिक, मैं शॉर्ट लिखूंगा, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले, मतलब वही विशिष्ट जो बालक हैं, ठीक है, विशिष्ट बालक, इनके लिए विश्व सम्मेलन सुलभता एवं समता, सुलभता व, ठीक है, समता, ये इसकी थीम थी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब समावेशी शिक्षा में कौन से बालक सम्मिलित होते हैं? तो मैंने आपको बताया भाई, किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। तो इसमें सम्मिलित होंगे आपके विशिष्ट बालक, सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक, इसके अलावा जितने भी जो भी प्रकार के बालक हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, ठीक है, सभी समावेशी शिक्षा में सम्मिलित होते हैं। मैंने तो सिर्फ तीन चीज़ रखा था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है? सभी प्रकार के बालकों को समान रूप से शिक्षा देना, क्या ये समावेशी शिक्षा संबंधित नहीं है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही समावेशी शिक्षा से संबंधित है, ठीक। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु अतिरिक्त सेवा या सहायता प्रदान करना, मैंने कहा था भाई कि आप जब सामान्य बच्चे के साथ विशिष्ट बालक को ला रहे हो, ठीक है, जो थोड़ा कोई धीरे सीख रहा है या फिर सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है। जैसे विशिष्ट क्लास लगाया जा सकता है, उन लोग के लिए अतिरिक्त क्लास लगाया जा सकता है, उनके पाठ्यक्रम में दोहराव किया जा सकता है, बार बार उनको पढ़ाया जा सकता है, तो उनको अतिरिक्त सेवा एवं सहायता बिल्कुल दी जा सकती है। तो क्वेश्चन है, संबंधित नहीं है, तो ये तो बिल्कुल संबंधित है। सभी बालकों को आत्मनिर्भरता की भावना या फिर सभी बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना, ठीक है, ताकि अन्य लोगों की तरह वो भी जीवन यापन कर सके। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों, मतलब विशिष्ट बच्चों हेतु अलग अलग स्कूल्स की स्थापना करना, ये समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है। अलग अलग स्कूलों की स्थापना नहीं करनी है, एक ही स्कूल में, एक ही छत के नीचे जो है उन्हें शिक्षा देनी है। हाँ, यदि कुछ अधिक हो जाता है, जैसे कि मैं कहूँ कि भाई
दृष्टिबाधित एक छात्र आता है। अब आंशिक दृष्टि बाधित है, उसके लिए तो अतिरिक्त सहायता हम लोग दे सकते हैं कि टेबल और जो उनका जो चेयर है उनको एकदम हम लोग सामने लगा दें, या फिर प्रकाश की व्यवस्था करें, उचित प्रकाश की व्यवस्था कर दें ताकि अच्छे से लाइट पड़े तो अच्छे से वो देख पाए, या फिर चश्मे वश्मे जैसा भी इनके लिए हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं, अतिरिक्त सहायता में आ जाएगा। लेकिन जिनको दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, तब उस केस में जो है ठीक अलग विद्यालय की स्थापना की जा सकती है, अलग या फिर विशिष्ट कक्षा संचालित की जा सकती है, लेकिन वो भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। तो याद रखना है, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे हैं तो अलग से कोई स्कूल की स्थापना ठीक करना इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। मैं कंडीशन भी बता दूँ किस स्थिति में कर सकते हैं, ठीक है, और सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन आए तो यही ऑप्शन सही होगा। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है, ये बालक किसी भी कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। एक प्रतिभाशील बालक है, ठीक है, वो अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, मैंने बताया था उनकी विशेषता कितनी होती है, बहुत सारी विशेषताएं मैंने बतलाई है। अधिक जिज्ञासा होते हैं, मतलब जिज्ञासु होते हैं, मतलब ज्ञान की इच्छा उनमें ज़्यादा होती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, उन्हें जिज्ञासु कहा जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के भी क्वेश्चन आप पे होते हैं। उद्देश्य केंद्रित होते हैं, भाई फालतू काम नहीं करते, लक्ष्य केंद्रित होते हैं, उद्देश्य केंद्रित होते हैं। व्यवहारिक ज्ञान के धनी होते हैं, भाई प्रैक्टिकल नॉलेज इनमें ज़्यादा होता है सैद्धांतिक के अलावा। समाज के प्रति तटस्थ रहते हैं, ठीक है, ये इनकी विशेषता नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैंने कहा था ऐसे बालक समाज के प्रति न तो तटस्थ होते हैं, ठीक है, मतलब तटस्थ होते हैं, और न ही नकारात्मक भाव होती है समाज के प्रति, बल्कि उनमें सकारात्मक भाव होती है समाज के प्रति, वो सकारात्मक भाव रखते हैं, इसको आपको याद रखना है। मंद बुद्धि वाले बालक की विशेषता कौन सी नहीं है, अब मंद बुद्धि वाले बालक कौन होते हैं, मैंने कहा था वहाँ पे जिनकी IQ जो है 70 से कम हो वो मंद बुद्धि की श्रेणी में आ जाता है, और उसमें भी डिवाइड है। तो IQ 70 से कम होता है, बिल्कुल ये विशेषता है। शारीरिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाना, ये भी उनकी विशेषता है। किसी कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं मंद बुद्धि वाले बालक। अमूर्त चिंतन की योग्यता अधिक होना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकी विशेषता ये नहीं है। अमूर्त चिंतन कैसे करेगा भाई, जैसे कि एक पेंटर हो जाता है, वो पेंट करने से किसी चित्र को बनाने से पहले कहाँ सोचता है, बुद्धि में सोचता है। तो उसकी बुद्धि में जो चित्र बनी है क्या आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, वो दिख नहीं रहा है, ठीक, तो वो अमूर्त चिंतन हो जाता है। तो ऐसे काम जो है मंद बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं कर पाता, उनकी विशेषता ये नहीं होती है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। मंद बुद्धि वाले बालक हेतु शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कोई मंद बुद्धि वाला बालक है तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उसके लिए शिक्षा व्यवस्था क्या करनी चाहिए हमें। पृथक कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, बिल्कुल पृथक कक्षा हो सकती है उनके लिए, ठीक है। हस्तशिल्प स्किल्स एजुकेशन दी जाए, एक काम कर सकते हैं। पाठ्यक्रम को दोहराव कराया जाए, यदि वहाँ से भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जो धीरे ही सीख रहे हैं, तो उनका पाठ्यक्रम में सिलेबस में बार बार उसको हम लोग रिपीट करें, दोहराव करें, ठीक है, एक तरीका हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किसके माध्यम से कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, पिछड़े जो बालक होता है ना, ये सामान्य बालक की तरह ही होता है, वो सामान्य ही होता है, अच्छे से पढ़ना, ये पिछड़े बालक सामान्य बालक ही होता है, लेकिन कुछ कारण होते हैं कि वो सामान्य बालकों से ठीक है पिछड़ जाते हैं, जैसे पारिवारिक स्थिति हो गई, आर्थिक स्थिति हो गई, उसका जो है ना व्यवहार है वो सभ्य ना रहा, बहुत सारे कारणों से वो पिछड़ जाता है। तो इनके लिए जो बुद्धि लब्धि होती है भाई, अब सामान्य बालक की तरह ही है तो बुद्धि लब्धि तो हो नहीं सकती। इसकी पहचान करने का तरीका, हालांकि सामान्यतः माना जाता है 80 से इनकी जो बुद्धि लब्धि है वो 80 या फिर 85 इसके कम होती है, ठीक है, 80 या फिर 85 इसको आप ले लेना, इससे कम होती है, एक सामान्यतः माना जाता है, लेकिन बुद्धि लब्धि इनका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य ही होते हैं, तो सामान्य बच्चे की तरह ही बुद्धि लब्धि आ सकती है यदि उस पर हम लोग पहचान करें। तो इसके लिए हो जाएगा शैक्षिक लब्धि होता है एक, ठीक, इसको याद रखना। तो शैक्षिक लब्धि, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, EA/ ठीक है CA/100, जैसे कि हमने बुद्धि लब्धि में देखा था MA/CA, ठीक है, जहाँ पे मेंटल एज और क्रोनिकल
इसकी हमने बात की थी, इन 200 तो निकल जाता है वही आपकी बुद्धि लाब्धि, ठीक। लेकिन शैक्षिक लाब्धि इसकी हम लोग बात करें तो इसमें ई ए अपन सी ए आता है। अब ई ए क्या है, ये शैक्षिक, ठीक है, आयु है, उसकी शैक्षिक आयु है, और नीचे उसकी वास्तविक आयु, ठीक है, इन 200 करेंगे तो निकल जाएगा, यह सूत्र बर्ट ने दिया था, ठीक है, इससे उसकी शैक्षिक लब्धि निकल जाएगा, ठीक, बर्ट ने दिया था। तो याद रखना पिछड़े बालक के लिए, ठीक, पहचान करने का जो तरीका होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, वो शैक्षिक लब्धि है। ये सामान्य बालक ही होते हैं, किसी कारणों से पिछड़े होते हैं, ठीक, अधिगम के दृष्टिकोण से। किसी कक्षा में दृष्टि बाधित बालक हो, कोई दृष्टि बाधित बालक आ जाता है, तो उनकी शिक्षा हेतु क्या करनी चाहिए। अब इसमें भी दो तरीके से है, एक को दिखाई दे रहा है आंशिक रूप से, तो उसके लिए भैया आंशिक दृष्टि से या फिर आंशिक दृष्टि बाधित होगा तो उसके लिए उचित प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। अब दृष्टि बाधित बालक आ गया या फिर ज़्यादा ही है ना उनको है, देख नहीं पा रहे हैं, ठीक, तो एक ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। एक कुर्जवेल है, कुर्जवेल मशीन, ये जो है ना विभिन्न चित्रों को मौखिक अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, वो बदल के दे देता है, क्योंकि दृष्टि बाधित है, सुन तो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए किया जा सकता है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पृथक कक्षाओं का आयोजन किन बालकों के लिए की जाती है, अब मैंने आपको बताया था, एक होते हैं, याद रखना है आपको, प्रतिभाशील बालक, एक होते हैं मंद बुद्धि बालक। तो ये दोनों बालकों के लिए ही पृथक क्लास, ठीक है, पृथक कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, आपको याद रखना है, सामान्य बालक के लिए पृथक क्लास का आयोजन नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, निम्न में से किन संकेतों से पहचान सकते हैं कि कोई बालक सृजनशील है। तो मैंने आपको जब सृजनात्मकता पढ़ाया था, क्रिएटिविटी, वहाँ पे भी मैंने बताया था, वहाँ पे भी मैंने एक सृजनशील बालक की विशेषता बताई थी, ठीक, बहुत सारे वहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। स्वकेंद्रित होता है, स्वयं को केंद्र में रख के देखता है, दूसरों पर आश्रित नहीं होता, कुछ चीज़ें हैं तो स्वयं को केंद्र में रखेगा, अगर मैं ऐसा होता तो क्या होता, समझ रहे हो, तो दूसरे को नहीं रखेगा, पराश्रित नहीं होता वो, ठीक। जोखिम लेने की क्षमता होती है, बिल्कुल भाई, वो क्रिएटिव तभी करेगा जब जोखिम लेगा। दूरदर्शी होता है, ठीक है, भविष्य, आप बोल सकते हो भविष्य दृष्टा होता है वो, ठीक, दूरदर्शी होता है। परंपरावादी होना, ठीक, तो याद रखना है, परंपरावादी नहीं होता वो, अपरंपरावादी होता है। क्या होता है, अपरंपरावादी होता है, परंपरा के अनुसार चलेगा तो वो क्रिएटिव चीज़ नहीं कर पाएगा, फिर वैसे ही उसको करना पड़ेगा, तो वो अपरंपरावादी होता है, इसको याद रखना। तो इनमें से ए बी सी सही होगा, या फिर 1 2 3 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आप है ना सेकंड में देख पा रहे होंगे, केवल 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, अच्छा इसको मैंने बता दिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा बट, बट ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, इसका उद्देश्य है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, बिल्कुल उद्देश्य है, मैं सबको, मैंने आपको पढ़ाया है ना, आप क्लास देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन है ना, वहाँ पे मैंने किया है, वहाँ पे और ज़्यादा से अच्छे समझ पाएंगे। विशिष्ट बालकों की फैली भ्रांतियों को दूर करना, जैसे कि ये बच्चा तो ऐसा है वैसा है, बहुत सारा भ्रांतियाँ फैली होती है, उसको भी दूर करना इसका उद्देश्य है। पिछड़े वर्ग से आए बच्चों को अलग से शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक, एक कहीं से भी इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा लाया ही इसलिए गया है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दें, ताकि जो दूसरा बच्चा है ये ना सोचे कि यार ये शिक्षा तो सिर्फ इनके लिए है, हम लोग के लिए वहाँ कोई जगह है नहीं, ठीक है। तो सम्मान करते हुए सभी को जो है शिक्षा देना, सभी को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। समावेशी शिक्षा, इसको याद रखना ना, यहाँ पे और दिखाता हूँ, इसका सही आंसर लास्ट वाला था, क्योंकि उद्देश्य नहीं है पूछा है वहाँ पे, ठीक, क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहाँ पे देखते जाना कि क्या पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी हड़बड़ी में फिर गड़बड़ी होने के चांसेस हैं। समावेशी शिक्षा से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे लाभान्वित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और कौन कौन होते हैं इसको भी मैंने बताया था। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है ताकि शैक्षिक एकीकरण हो सके, ये भी इसका सही आंसर है। तीन में से दोनों सही हैं, आपको याद रखना है, तो कथन ए एवं बी दोनों सही हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने आगे रखा है कौन कौन और लाभान्वित होते हैं, वहाँ पर मैं समझाऊंगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा से किन बालकों की आवश्यकता पूरी होती है, फिर समावेशी शिक्षा, ठीक, किन किन बालकों की आवश्यकताओं को पूरी करती है। दृष्टिबाधित बालक, बिल्कुल भाई, समावेशी शिक्षा से है ना दृष्टिबाधित बालक भी, इनकी भी आवश्यकता पूरी होती है। वाणी दोष बालक है, प्रतिभाशील बालक है, सामान्य बालक है,
तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी ए बी सी डी, इसका सही चीज हो जाएगा। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए जरूरी है, विशिष्ट आवश्यकता मतलब विशिष्ट बालक हैं, ठीक है, इनके लिए क्या जरूरी है? इन बालकों के लिए जरूरी है कि सामान्य बालकों से अलग करके अलग शिक्षण संस्थान में शिक्षा दी जाए। ठीक, गलत है, अलग शिक्षण संस्थान में क्यों देंगे? अभी तक आप समझ भी पाए होंगे कि बार बार ये चीज़ यूज़ हो रहा है। उनको केवल और केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, सिर्फ केवल या फिर सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा से क्यों जोड़े? सामान्य शिक्षकों के साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाए, ये इसका सही होगा। उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सामान्य बालकों के साथ जो सामान्य तरीके से सीखते हैं, जिनके आईक्यू लेवल 90 से 110 होती है, ठीक है, इनके साथ उनको शिक्षा दी जाए, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। विशेष ज़रूरत वाले बालक कक्षा में आता है, एक विशिष्ट बालक कक्षा में आता है किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, तो क्या करना चाहिए? सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्या नज़रअंदाज कर देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि विविधता में एकता है। किसी भी प्रकार से बच्चा है, उनको सम्मान करते हुए उनको शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो असहज महसूस ना करे, मुख्य धारा से जुड़े। ठीक, सभी सांस्कृतिक विभिन्नताएं या फिर भिन्नताएं मिटने के लिए कार्य करना चाहिए या फिर मिटाने के लिए कार्य करना चाहिए। क्यों मिटाएं हम लोग? मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है। एक शिक्षक को या फिर शिक्षिका को ये मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है, उस पर हमें काम करनी है। भले अतिरिक्त सहायता दें, ठीक है, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करें, समावेशी शिक्षा से उन्हें जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी शिक्षा में किस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो? क्या हमें, ठीक है, मानकीकृत निर्देश इस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए? नहीं। सख्त मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए? नहीं भाई, कि भाई एक विशिष्ट बच्चा भी आएगा उसमें, तो सख्ती से आप उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। सहयोग अधिगम याद रखना है, सहयोग अधिगम ये पद्धति होगा, क्योंकि सहयोग करते हुए चलना है हमें, क्योंकि सहयोग करते हुए चलेंगे तभी काम बनेगी, तो याद रखना सहयोग अधिगम ये पद्धति अपनाने की आवश्यकता होगी, ताकि बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। एक प्रतिभाशाली बालक, आपको पूछा जाए कि एक प्रतिभाशाली बालक निम्न में से कितनी आईक्यू वाला हो सकता है? 75 से 80 होगा, या फिर 90 से 110 होगा, 125 से 140 होगा? तो यहाँ पे एक दो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो भैया 90 से 110 वाला ये होता है सामान्य बालक, ठीक है। यदि वो 70 75 से नीचे होता है, ठीक है, तो उसे मंदबुद्धि कहा जाता है, और सामान्यतः माना जाता है 80 से भी पीछे है वो, 80 से पीछे है, ठीक है, तो वो पिछड़ा बालक हो सकता है सामान्यतः। हालांकि उसके लिए बुद्धि लब्धि सामान्य बालक के तरह ही आ सकता है, ठीक, मैंने आपको बताया था। 125 से 140 इसके बीच हो, ठीक है, या फिर इससे अधिक हो, तो वो प्रतिभाशील बालक होता है। क्या होता है? प्रतिभाशील बालक होता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे से भी पूछा जा सकता है, प्रतिभाशील बालक का आईक्यू लेवल कौन सा हो सकता है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दे, ठीक है, 100 हो दे दे, या फिर 120 दे, 125 दे, 130 दे, या फिर 145, तो जो हमेशा ज़्यादा रहेगा वहाँ पे, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपको टिक करके आना है, क्योंकि इसकी आईक्यू लेवल औसतन 120 125 माना जाता है, औसतन। टर्मन ने तो 140 प्लस कहा है, 140 वाला या फिर उससे अधिक वाला, समझ रहे, और हैक ने कहा है 125। तो आपको याद रखना है, जिसमें ज़्यादा दिया रहे उसी को आपको प्रतिभाशील में ठीक टिक करके आना है, याद रखना। औसतन पूछे तो 120 या 125, इसको आपको ध्यान में रखना है। विशिष्ट बालक वे हैं जो औसत या सामान्य बालकों की तरह सीखते हैं। क्या ये विशिष्ट बालक हैं? नहीं। शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूप में सामान्य बालकों की तरह होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूप में सीखने की दृष्टि से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। अब तक आपको समझ में आ भी गया होगा विशिष्ट बालक, ठीक है, क्या होते हैं। उपर्युक्त सभी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपको याद रखना है। 22वां आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक पिछड़ा बालक की पहचान हेतु संकेत हो सकते हैं। एक पिछड़े बालक को आप कैसे पहचान सकते हो? आत्मबल में कमी होगी, निम्न तार्किक स्तर होगा, जिज्ञासु नहीं होगा वो, जिज्ञासु मतलब ज्ञान की इच्छा, ठीक है, उसमें नहीं होगी, या फिर ज्ञान के लिए इच्छुक नहीं होगा, सकारात्मक प्रवृत्ति होगी। तो याद रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3,
तो याद रखना भाई, सकारात्मक प्रवृत्तियाँ नहीं पाई जाती है, उसमें नकारात्मक प्रवृत्ति पाया जाएगा। एक पिछड़ा बालक सामान्य ही बालक होता है, लेकिन कुछ कारणों से उसे पिछड़ा होना पड़ता है। जैसे वो होमवर्क नहीं कर रहा है, ये नकारात्मक प्रवृत्ति है। वो क्लास बंक कर, मतलब वो क्लास है ना छोड़ रहा है बार बार, ठीक आज इस क्लास में आया, फिर 3-4 क्लास के बाद आ रहा है। तो सही हो जाएगा 1, 2, 3 या फिर ABC। तो ऑप्शन नंबर लास्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया, यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझाने वाली चीज़ आएगा, यहाँ लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। डिसलेक्सिया वाला बालक में कौन सा विकार पाया जाता है? ठीक है, लिखने में विकार, पढ़ने में विकार, गणितीय कौशल में विकार, या फिर वाक विकार। याद रखना है, डिसलेक्सिया वाला जो बालक है इसमें पढ़ने में विकार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अच्छे से बताता हूँ, इसको भी एक बार कर लीजिए फिर बताता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है आज के लास्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अधिगम असमर्थी बालक के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल गया है, ये जो बात हो रही है अधिगम असमर्थी बालक के बारे में हो रही है। ठीक है, इसमें मोटर डिसऑर्डर पाया जाता है। मतलब क्या? इनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ठीक है डिसऑर्डर होता है, विकार होता है। तो वहीं पे जो डिसलेक्सिया वाला जो बच्चा होता है उसमें पढ़ने में विकार हो जाता है। अब इसके अंतर्गत देखेंगे, डिसग्राफिया वाला जो बच्चा होता है उसके लिखने में विकार आ जाता है। और वहीं पे डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया है ये, ठीक है डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन संबंधित, इसमें विकार पाया जाता है। जैसे गणितीय कौशल है तो गणितीय कौशल में विकार पाया जाता है, ठीक। और वहीं पे लास्ट हम देखेंगे, ठीक है यहाँ पे डिया हो गया ना, इसको एस कर लेना, जो ए है उसको, डिसथीमिया, ठीक इसमें वाक विकार नहीं होता। मैंने क्वेश्चन डाला है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो जो वाक विकार का आएगा इसमें याद रखना इसको डिसफेजिया हो जाएगा, वो डिसफेजिया, ठीक है। और जो डिसथीमिया वाला होगा, जो है ना डिसथीमिया वाला होगा, ठीक है इसको यहीं पे याद रखना, कलर में लिखता हूँ, ठीक है ये वाला होगा, इसमें लेखन एवं चित्रांकन संबंधित, लेखन एवं चित्रांकन, चित्र बनाने में इनमें विकार ठीक है हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाता है, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, जिसमें ऐसे बालक जिसमें क्या है डिसलेक्सिया है, डिस ठीक है डिसग्राफिया है, या फिर डिसकैलकुलिया है, या फिर डिस ठीक है थीमिया है, या फिर डिस फेजिया है। ये बार बार डिस डिस में मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग हो रहा है ना, तो डिस फेजिया या फिर डिस थीमिया, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये अधिगम असमर्थी बालक के लिए था। आई होप कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के क्लास में यहीं कंक्लूड करता हूँ। यहाँ पे हमने देखा और जाना सीखा, क्वेश्चंस को भी देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखा। यदि आप इन क्वेश्चंस के है ना PDF चाहते हो, ठीक है तो PDF आपको आसानी से मिल सकता है। वो ग्रुप का नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर, ठीक है टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सीधे ऐड हो सकते हो। ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।